कल जो है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कहिए कि हल्ला बोल दिया है और ज़बरदस्त जो है वो आंदोलन हो रहा है विरोध में। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है जहां बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रेस और मीडिया आई हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बीजेपी जो इस पूरे मामले पर बीजेपी ने जो भी कुछ किया है उसको किस नज़रिए से देखती है और ये बीजेपी का क्या तानाशाही रवैया है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे साथ एडवोकेट हैं, इनसे जानने की कोशिश की। सर आप ये बताइए, कानूनी तौर पे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी किस हद तक सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। अब तक सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं था जिसपे उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। सीबीआई के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये शो करता हो कि जिससे हमारे मनीष सिसोदिया जी किसी तरीके भी कहीं कल्प्रिट है। सर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने पत्रकारिता की है 12 साल 13 साल के पत्रकारिता, अभी तक किसी उप मुख्यमंत्री को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया या शायद इससे पहले भी कार्यकाल के दौरान किसी भी उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको? आपने बात बिल्कुल सही कही, आपने कहा लोकतंत्र का नाम लिया, ये लोकतंत्र नहीं है, इस समय तानाशाही है। जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ यही होना है, वो उसको जेल, इसे बोलते हैं मोदी तंत्र, जेल जाने का काम करेगा, वही काम हो रहा है और कुछ नहीं है उसके पास में, कुछ नहीं है। आज की डेट में आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का सिर्फ उनके फादर का नाम है यदि गलत ले दिया तो क्या ये कहीं किसी के फादर का नाम लेना गलत है? उनके पीछे पुलिस लग गई। तो ये जो पुलिस है ना, जो मिसयूज हो रहा है, जितनी भी एजेंसीज हैं वो बीजेपी उसका भरपूर तरीके से मिसयूज कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये बता रहे थे कि ये लोकतंत्र नहीं है, मोदी तंत्र है। हाँ, ये मोदी तंत्र है। तरीके से कहते हैं जो मोदी जी कहते हैं वही होता है, जो बीजेपी कह रही है वही हो रहा है, देख लीजिए। मतलब आज के वक्त में देश का मतलब मोदी है, फिर देश का मतलब बीजेपी, देश का मतलब बीजेपी जी, बीजेपी की सरकार, बीजेपी मतलब मोदी जी, मोदी जी जो कहेंगे वही होगा, मोदी जी कहेंगे उसको उठा लो, उसको उठा लो, तो वही होता है। मतलब सर देश में कहीं लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं बचा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पत्रकार, जो कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोगों का बहुत बहुत वो है, जिसके लिए आपने कभी भी किसी भी डिबेट में देखा होगा जो मोदी के मतलब जो इस लोकतंत्र को बचाने की पत्रकारिता करते हैं उनको, जो उनके जो नुमाइंदे आए हुए होते हैं वो किस तरीके से उनसे बात करते हैं। आज की डेट में आप ये देख लो लोकतंत्र कहाँ बचा है। आप देखिए ना, अगर आप एक उप मुख्यमंत्री को, हमारे एक मिनिस्टर साहब को ऑलरेडी जेल भेजा हुआ है उन्होंने, कहाँ लोकतंत्र बचा है? किसी मतलब भी मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं अगर वो बढ़िया काम कर रही है तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी? एनडीटीवी निष्पक्ष करता था, आज अगर आप भी मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो आपके पीछे भी कोई ना ईडी और वीडी लग जाएगी। लेकिन जिस तरीके से नहीं, बहरहाल वो तो हो ही रहा है देश में, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो पत्रकार जिंदा कैसे रहेंगे? वही तो मैं कह तो रहा हूँ, कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के को जो बाबा साहब ने बनाया था उसको छिन भिन करने का काम ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इतना डरती क्यों? उसको ये पता है कि आम आदमी जो पार्टी है वो बिल्कुल जो कहती है वो काम करती है। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जो वादे हमने किए उनको पूरा किया, चाहे बसों में लेकर ले लो, फ्री पास का ले लो, हर तरीके से। जो बीजेपी इस बात से डरती है कि बीजेपी, जब जब मोदी को डर लगता है वो सिर्फ आम आदमी से लगता है, क्यों आने वाले भविष्य आम आदमी पार्टी का है। देखिए, आम आदमी पार्टी को अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है और सभी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को राष्ट्रव्यापी प्रचार से रोकने के लिए अब भाजपा के पास एकमात्र हथियार रह गया है, वो सीबीआई और ईडीआई है, और जिसका दुरुपयोग करके सभी को वो चुन चुन कर एक एक करके जेल में डालने का काम। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है सीबीआई ईडी को अपने जेब में रख लिया और अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, वो एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं को देशव्यापी प्रचार में जाने से रोकने के लिए कर रहे हैं। सर आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? इस मामले में ये कहेंगे हम कि एजुकेशन से पब्लिक का सोच बढ़ता है जी, है ना? तो इस सोच को वो रोकना चाहते हैं कि पब्लिक को एजुकेटेड ना हो, तो और उधर जो है बीजेपी नहीं चाहते कि देश के लोग पढ़े लिखे और तार्किक बात करें। जी जी जी,
है ना, असल उनकी सोच ये है। और लोगों को जो है ये जो हमारे जैन साहब को जो अरेस्ट किया है वो भी एक स्वास्थ्य के मामले में काम किया, तो जो अच्छा काम करेगा उनकी नजर में ये बुरे हैं। मनीष सिसोदिया को इस वजह से गिरफ्तार किया गया कि मनीष सिसोदिया एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाली एजुकेशन के ही सेक्टर में नहीं, वो ये कहता है, किसी शायर ने कहा है कि गुलशन में फिरूं या शेरे सेहरा देखूं, मादने को है या दस दरिया देखूं, अरे खुदा तेरी कुदरत कहे लाखों जलवे, हैरान हूं कि मैं इन दो आंखों से क्या क्या देखूं। इस टीम के फरिश्ता स्कीम है ना, जिसका वादा नहीं किया था इलेक्शन में उस काम को किया। इस काम, इस पार्टी के कौन ऐसा काम है जो आप इनको बुरा कहेंगे? ये तो पब्लिक से पूछ के ही काम करते हैं ना, ये तो पब्लिक से पूछ के काम करते हैं, क्योंकि पब्लिक का देश है भाई, पब्लिक को क्या दर्द है क्या दुख है वो उनसे पूछ के ये काम करती है, इसी को ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन लोग अपने घर भरने के लिए आए हैं, जब भी कोई अरविंद केजरीवाल का तो एक ही मकसद है कि भाई पब्लिक का टैक्स का पैसा है तो मालिक तो वह है, तो इन लोग जो है मालिक को जगाने के लिए नहीं देते हैं, मालिक को ये बताने नहीं देते हैं कि ये मालिक है, तुम मालिक को जगाओगे क्यों? आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा इससे इतर कि इस देश में जो है आजकल जो है राजनीतिक फिजाओं में जो है वो धर्म की चीजें बहुत चलने लगी, ज्यादातर जो है लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगे हैं, जबकि इस मामले में मैं देखता हूँ कम से कम आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती है। आप मेरे सामने है, नहीं बिल्कुल सही, देखिए हम हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, हम इंसान नहीं बन जाते हैं, है ना, हम अगर इंसान बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है, तो हम ये इंसानों की पार्टी है, इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, है ना, अच्छे बुरे तो सभी जाति धर्म में लोग हैं। तो सुना आपने, ये थी आम आदमी पार्टी के लोगों की राय कि किस तरीके से जो है सीबीआई और ईडी का जो है बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए, और एक तरीके से ये भी कहा कि ये अब लोकतंत्र नहीं है, ये मोदी तंत्र ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है कि आखिर इस देश को कोई कैसे जो है एक आदमी पार्टी एक आदमी के नाम पर जो है लिया जा सकता है। ये शायद लोकतंत्र के इतिहास में या कहे कि पूरे भारत के इतिहास में राजतंत्र के बाद ऐसा लग रहा है कि इस देश में राजतंत्र की पिज़्ज़ा बनती जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।